Now students, let's start the explanation of rectangular components of vector, in which we have to derive relation for vector, rectangular components of vector, and magnitude and also the direction of vector. So starts with the definition of rectangular components. The components of a vector which are perpendicular to each other are called rectangular components. Like मैंने आप लोगों को पहले भी बताया part 1 जो video है उसमें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो वेक्टर के वो कंपोनेंट्स हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, मींस कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ठीक है, लाइक ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ओके, सो एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट. कंसीडर अ वेक्टर ए एज शोन इन फिगर. लेट थीटा एंगल which vector A makes with x-axis, ठीक है, ये हम लोगों के पास ये फिगर है जिसमें ये वेक्टर A है, this is a vector A, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, this is vector A, और ये वेक्टर A जो है, वो x-axis के साथ एंगल बना रहा है theta, this is vector A, ठीक है, और ये आपके पास x-axis है, और ये वेक्टर A जो है, वो x-axis के साथ एंगल बना रहा है theta, ठीक है, so इसमें कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे फिगर में से. ये देखो, सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगुलर एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. लाइक ये वेक्टर ए था और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ओरिजिन था जिसे हम लोगों ने नाम दिया ओ, और इस पॉइंट को जहाँ पे हम लोग लोकेशन फाइंड करेंगे जिसे पोजिशन वैक्टर कहते हैं आर, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया है पी का. ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए को स्प्लिट करेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहाँ पे करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो हम लोग किस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे वेक्टर को, हम लोग प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे, मीन्स हम लोग एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और वाई एक्सिस पे भी जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. तो ये आपके पास जो पी एम है, पी एम जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस. पी एम जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस पे, तो ये प्रोजेक्शन है किसकी, वेक्टर ए की, किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग. ठीक है, अब जो एन पी है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन को नाम दिया है एन पी का, वो हम लोगों ने प्रोजेक्शन ड्रॉ की है वेक्टर ए की किस एक्सिस पे, ए वाई. सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस को हम लोगों ने नाम दे दिया एन पी का, और एन पी को हम लोगों ने क्या कहा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये हम लोगों ने वेक्टर्स को, वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया, स्प्लिट कर दिया इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई. ओके, नाउ नेक्स्ट देखें, एज ओ एन इज इक्वल टू एम पी. फिगर देखिए, ओ एन जो है वो किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ए वाई ए वाई, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ओ एन और एम पी. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. सिमिलरली ओ एम और एन पी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए एक्स, अगर ये ए एक्स है तो ये भी क्या है, ए एक्स, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल है. ठीक है, एन पी एंड ओ एम आर इक्वल एंड ओ एन एंड एम पी आर इक्वल. ओके, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है. देन बाय हेड टू टेल रूल, हम लोग हेड टू टेल रूल से इन्हें एड अप करेंगे, ए वाई को और ए एक्स को. दो वेक्टर्स हैं, यानी कि पहले एक वेक्टर था, उस एक वेक्टर को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया टू मोर वेक्टर्स में, ए एक्स में और ए वाई में. ये आपके पास ए एक्स है और ए वाई है. हेड टू टेल रूल एड करेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. ठीक है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, दोनों को एड अप कर दिया. अगेन मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज आई, हेयर आई इज अ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के ऊपर हम लोग हाइट का साइन लगाएंगे. यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और जे जो है वो ए वाई का यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, तो इसे हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर वन.
Hence, ax i and ay j are the components of vector a. ax i or ay j jo hai, wo components hai vector a ke. Or since ax i and ay j are at right angle to each other, right angle means 90 degree, means perpendicular hai dusre ke. So that's why inhe kya kehte hai, rectangular components. Wo components jo ke ek dusre ke perpendicular hai, right angle pe hai, means ke 90 degree ka angle bana rahe hai, un components ko kya kehte hai, rectangular components. नाउ अब हम लोग कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करेंगे ताकि हम लोग लास्ट पे मैग्नीट्यूड का फार्मूला फाइंड कर सकें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फार्मूलाज को फाइंड आउट कर सकें. तो हम लोग जो है वो इस फिगर को देखते हुए नेक्स्ट पार्ट में इन फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे. अब अगर आप इस फिगर में देखो तो इस फिगर में आपके पास टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. फर्स्ट वन इज दिस ओ एम एंड P या OP एंड कह सकते हो, और सेकंड ट्रायंगल आपके पास है OP एंड N. ठीक है, अब इस में आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो पहले हम लोग फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल OP एंड M. ठीक है, सो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग x कंपोनेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो अलॉन्ग x एक्सिस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था हम कौन से टर्म यूज करते हैं, cos थीटा. सो हम लोगों ने कंसिडर किया है राइट एंगल ट्राइंगल OP एम, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम कंसिडर किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सी टर्म लेंगे, कॉज ऑफ थीटा. हम लोगों को बताए कॉज थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के. तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे कि बेस क्या है, बेस आपके पास ये है ओ एम इज बेस. ठीक है, ओ एम इज बेस एंड वट इज हाइपोटेन्यूज की 90 डिग्री के एंगल के जो सामने आपके पास लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज. तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है ओ एंड पी. ठीक है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज इक्वल टू ओ एम, दिस वन इज बेस एंड ओ पी इज हाइपोटेन्यूज. क्लियर, सो ये आपने जस्ट रुकी पुट की है वैल्यूज ओ एम ओवर ओ पी इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा. अब अगर फिगर में ही देखो तो ओ एम आपके पास जो है वो किसके इक्वल है, ए एक्स के. सो ओ एम की जगह ए एक्स पुट करेंगे, और ओ पी आपके पास किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है. सो यहाँ पे आपने किसके इक्वल पुट कर दिया है, वेक्टर ए. आप यहाँ पे वेक्टर साइन पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्हें बोल्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, सो आपके पास ए एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ से ए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ए डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. सिमिलरली हम लोग इसी तरह से वाई कंपोनेंट के लिए फाइंड करेंगे, तो जब वाई कंपोनेंट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे जो है ओ पी एंड एन. ठीक है, ट्राइंगल ओ पी एंड एन. हम लोगों को पता है कि जब वाई एक्सिस के लिए फाइंड करते हैं तो वाई एक्सिस पे हम लोग कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करेंगे, साइन ऑफ थीटा, एक्स एक्सिस के लिए कॉस थीटा, y एक्सिस के लिए साइन थीटा. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. ओके, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास होगा ओ एन. इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप जब रोटेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर आ जाएगा ओ एन, और आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ओ पी. सो ओ एन ओवर ओ पी, ओ एन इक्वल है अगेन ओ एन इज इक्वल टू ए वाई एंड ओ पी इज इक्वल टू वैक्टर ए. वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे ए वाई ओवर ए आ जाएगा, सो ए वाई आपके पास आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा. सो वैक्टर ए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, ये तो भी हम लोगों ने फाइंड किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस. नाउ अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं. वहाँ पे हम लोग पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अगेन फिगर कंसीडर करेंगे, और फिगर में से कोई सा भी एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे. इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर किया ओ पी एंड एम को, ठीक है, या राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम. यहाँ पे ओ एम जो है वो बेस है, ओ पी इज हाइपोटेन्यूज एंड एम पी इज परपेंडिकुलर. ठीक है, सो हम लोग पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एम पी स्क्वायर.
सो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओ पी स्केयर इज इक्वल टू ओ एम स्केयर प्लस एम पी। सो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अगेन फिगर कंसिडर करेंगे, फिगर से टैली करेंगे। हम लोग ओ पी स्क्वेयर जो लिखा है, ओ पी इक्वल है वेक्टर ए के, ठीक है, ओ एम इक्वल है ए एक्स के और एम पी इक्वल है ए वाई के। सो अब हम रिप्लेस कर देंगे ओ पी को ए से, ओ एम को रिप्लेस करेंगे ए एक्स से और एम पी को रिप्लेस करेंगे ए वाई से। सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ओ एम की जगह ए एक्स स्क्वेयर एंड एम पी की जगह ए वाई स्क्वेयर। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आप स्क्वेयर रूट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। तो ये आपके पास किसका फार्मूला आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। नाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए, अगेन वी कंसीडर फिगर एंड राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एंड। सो स्टूडेंट, जिस तरह हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए, एक्स एक्सिस के लिए जब हम फाइंड कर रहे थे हम लोग कॉस थीटा यूज़ कर रहे थे, और जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड किया अलोंग वाई एक्सिस तो हम लोगों ने यूज़ की साइन थीटा, ठीक है। नो अब ये आपने याद रखना है कि जब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे या एंगल फाइंड करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे टेन थीटा, ओके। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे टेन थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग cos theta, y axis के along sin theta, and to find direction we have to use trigonometric term that is tan theta, okay. So again अगर हम ये consider करें figure, तो tan theta equal होता है perpendicular over base, ठीक है, perpendicular over base. So OPM में हमारे पास perpendicular क्या था, M and P, और base आपके पास क्या है, OM. तो formula में put करेंगे एम पी ओवर ओ एम, एम पी इज परपेंडिकुलर एंड ओ एम इज बेस, ओके। सो अगेन फिगर देखो, तो फिगर में आपके पास एम पी किसके इक्वल है, एम पी आपके पास इक्वल है ए वाई के, और ओ एम आपके पास किसके इक्वल है, ए एक्स के। सो अब आप पुट कर दोगे ओ एम को इक्वल ए एक्स के और एम पी को इक्वल करोगे ए वाई के। सो आपके पास रिलेशन आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स, यहाँ पे थीटा है कि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेन उस साइड पे जब राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। सो ये आपके पास है डायरेक्शन, ओके। सो वीडियो के पार्ट वन में हम लोगों ने यही फार्मूलाज जो है वो स्टडी किए थे, मैग्नीट्यूड के लिए भी और डायरेक्शन, एंड इन दिस पार्ट हम लोगों ने ये ड्राइव किया है कि ये फार्मूलाज किस तरह से हमारे पास आए हैं, किस तरह से हम लोगों ने ड्राइव किए हैं। सो द टॉपिक इज कम्प्लीट एंड इट्स इनफ फॉर टूडे स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।